श्याम भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरे 8 पॉइंट बताए हैं जिससे आपको बाबा श्याम की पूजा करने के दौरान अगर आपके मन में ऐसे ख्याल आते हैं, ऐसे बुरे विचार आते हैं, तो इसको किस प्रकार से दूर करना है, ये सारे पॉइंट मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। पूरे 8 पॉइंट हैं। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, अगर आप बाबा श्याम की पूजा करते हैं या किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं, अगर आपके मन में बुरे विचार आने लगते हैं, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? ये क्या संकेत है जब आपके मन में बुरे विचार आने लगते हैं? बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जब वो पूरा पूजा पाठ करके उठते हैं तो उनके मन में पूरे दिन एक ही बात चलती है कि ये बातें मेरे साथ क्यों घट रही हैं, और पूरा दिन सोचने में इस बात को वो लगा देते हैं। उनका पूजा पाठ में मन नहीं लगता, मन में डर बना रहता है कि कहीं अगर हम पूजा पाठ करने बैठ गए तो हमारे मन में बुरे विचार फिर से चालू हो जाएंगे। और ये बुरे विचार किस प्रकार के होते हैं श्याम भक्तों? ये जिस देवी देवता को लेकर हम पूजा पाठ करते हैं तो उसी देवी देवता से रिलेटेड बुरे विचार हमारे दिमाग में चलने लगते हैं, जिसके कारण से हम अत्यधिक तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो श्याम भक्तों, ये क्यों होता है, इसी के विषय में आज बात करने वाले हैं। क्या संकेत है इस बुरे विचार से, किस प्रकार से बचेंगे, और अगर ये बुरे विचार आ रहे हैं तो क्या बाबा श्याम आपसे नाराज होंगे, क्या बाबा श्याम आपको दंड देंगे, क्या इसका कोई विशेष फल आपको मिलने वाला है? तो श्याम भक्तों, संपूर्ण जानकारी एक ही इस वीडियो में आज आपको मिलने वाली है, और होपफुली श्याम भक्तों आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरी बात आपकी समझ में आने वाली है। तो श्याम भक्तों, हमारे मन में बुरे विचार क्यों आते हैं, गंदे विचार क्यों आते हैं, तो आज मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक एक बात को समझाने वाला हूँ। श्याम भक्तों, अगर आपके मन में बुरे विचार आते हैं, गंदे विचार आते हैं, जब आप पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं उस समय आपको अगर इस प्रकार की फीलिंग आती है, तो श्याम भक्तों ये हमारे मन की वजह से होता है। यानी श्याम भक्तों, हमारा मन बहुत ही अधिक चंचल होता है, वो कहीं एक जगह नहीं टिकता है, कहीं एक जगह नहीं बैठता है। जब भी हम पूजा पाठ करते रहते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ से कुछ उल्टी सीधी बातें चल रही होती हैं, और जब हम किसी देवी देवता का मंत्र जप करते हैं तो उसी मंत्र से रिलेटेड या मंत्र जप करते करते ही मन में इस तरह की बातें आने लगती हैं, जिससे हमारा ध्यान भंग हो जाता है, हमारा ध्यान हट जाता है पूजा पाठ से, और हमें ऐसा लगता है कि हमारी पूजा बिल्कुल स्वीकार नहीं हुई भगवान को। मन को ध्यानमग्न करना, मन को ध्यान लगाना एक बहुत ही कठोर तपस्या है, और ये तपस्या सिर्फ आत्मशक्ति से आएगी। जब हम श्याम भक्तों पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं, यानी जब हम बाबा श्याम के नाम को जप करते हैं, बाबा श्याम का ध्यान करते हैं और अपने मन को शांत करके बैठते हैं, तब हम ये देखते हैं कि हमारा मन और अत्यधिक चंचल हो जाता है। हमारे मन में जो भी तनाव होता है, हमारे मन में जो भी अवसाद होता है, किसी चीज़ को लेकर हम लंबे समय तक सोचते आ रहे हैं, यदि हमारी कोई इच्छा अधूरी रह गई है, तो श्याम भक्तों जाहिर सी बात है हमारे मन में नकारात्मक विचार उभरने लगते हैं। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार की नकारात्मक विचारधारा को किस प्रकार से दूर करेंगे, इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको धैर्य बना के रखना है, आपको संयम से काम लेना है। अगर आप उस समय घबरा गए, अगर आप यही सोचते रह गए कि आज भी मैं पूजा पाठ करने बैठूंगा और मेरे साथ यही होने वाला है, आप पूजा पाठ करने बैठ तो जाएंगे परंतु जब आपको ही वो पूजा समझ में नहीं आ रही, आपको ही ऐसा लग रहा है कि मेरी पूजा स्वीकार नहीं हुई, तो वास्तव में समझ लीजिए वो पूजा आपकी स्वीकार नहीं होगी। श्याम भक्तों, चलिए अब जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट जानकारी, बुरे विचार आखिर हमें आते क्यों हैं, इसका कारण क्या है। सबसे पहला पॉइंट आता है मन की चंचलता के कारण। अगर आपका मन अत्यधिक चंचल है तो इस चंचल मन के ऊपर आपको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि श्याम भक्त, अगर आप बाबा श्याम की पूजा करने बैठ रहे हैं या किसी भी देवी देवता की पूजा करने के लिए बैठ रहे हैं, और अगर आपका वह मन आपके कंट्रोल में नहीं होगा, आपका मन इधर उधर भागेगा और आप पूजा करने के लिए बैठे हैं, तो वो पूजा आपकी स्वीकार नहीं होगी। क्योंकि श्याम भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि देवी देवता की अगर आप पूजा करते हैं, जब तक आप खुद को संतुष्ट नहीं कर लेते तब तक भगवान भी संतुष्ट नहीं होते। अगर आप खुद संतुष्ट होते हैं तो ऐसा माना जाता है भगवान तक आपकी पूजा
स्वीकार होती है। श्याम भक्तों, ये उसी प्रकार से है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं और जब आपको सारे आंसर्स आते हैं, सारे आंसर कर देते हैं, तो आप कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मैंने सारा आंसर सही किया है, मेरे फुल मार्क्स आने वाले हैं। तो आप इतनी कॉन्फिडेंट होते हैं और वही आपके साथ होता है। परंतु श्याम भक्तों, अगर आपका पेपर सही नहीं जाता तो उस समय आपको पता रहता है कि आपने पेपर सही नहीं किया है, आपको पासिंग मार्क्स नहीं मिलेगा या आपको एवरेज मार्क मिलेगा। इस प्रकार का ज्ञान प्रभु हमें पहले ही दे देते हैं। ये जो आत्मज्ञान है ये हमें पहले ही आभास हो जाता है। इसी प्रकार से श्याम भक्तों, जब आप पूजा पाठ करने बैठते हैं और वहाँ पर पूजा आपकी ढंग से नहीं हो पाती तो कहीं ना कहीं आपके मन में कमी रह जाती है। आप ये सोच में पड़ जाते हैं कि मेरी पूजा आज अधूरी रह गई है। श्याम भक्तों, पॉइंट नंबर 2, यदि आपकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, यानी श्याम भक्तों, आप बहुत लंबे से आप किसी चीज की इच्छा रख रहे हैं और मान लीजिए वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस कारण से भी क्या होते हैं, मन में इस प्रकार के विचार आने लगते हैं। जब हम पूजा पाठ करने बैठते हैं तो हमारे मन में गंदे गंदे विचार चलने लगते हैं। श्याम भक्तों, पॉइंट नंबर 3, यानी श्याम भक्तों, नकारात्मक ऊर्जा। नकारात्मक ऊर्जा कैसे आती है? नकारात्मक ऊर्जा को हम खुद लेकर आते हैं। यानी अगर हम पूरे दिन तनाव में रहते हैं, पूरे दिन चिंता में रहते हैं, पूरा दिन सोचने में लगे रहते हैं कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे कैसे करेंगे, इस तरह की चिंता में लगे रहते हैं, तो हम एक नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देते हैं। और जब इस नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देने के बाद हम पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं, मान लीजिए आपके सिर के ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ा है और उस कर्ज को निपटाने के लिए दिमाग में आपकी बातें चल रही हैं और उस बातों को सोचते सोचते आप पूजा पाठ करने के लिए बैठेंगे, भगवान से इच्छा रखेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान मेरे कर्ज को माफ कर दो, इस तरह की भावना के साथ जब आप पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं, यानी आप पूजा पाठ करने के लिए बैठे हैं तो सिर्फ अपना काम बनाने के लिए बैठे हैं, तो इस प्रकार की नकारात्मक पूजा जो है ईश्वर को स्वीकार नहीं होती है। ये नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है और नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास ही रहती है। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो वो दिल से नहीं होता, वो भाव उत्पन्न नहीं हो पाता, जिसके कारण से भगवान तक आपकी बात नहीं पहुंच पाती है। अब श्याम भक्तों, बात करते हैं चौथे नंबर पॉइंट की। चौथे नंबर का पॉइंट है आध्यात्मिक संघर्ष। जब हम पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं तो पूजा पाठ तो हम कर ही रहे होते हैं, मंत्रों का जप कर ही रहे होते हैं, परंतु साथ साथ में वो बुरे विचार भी मन में आ रहे होते हैं। हम कहीं ना कहीं उस बुरे विचार को दबाते हैं और अपने मन से फिर से मंत्र को पढ़ते रहते हैं, यानी संघर्ष चलता रहता है। हम पूजा पाठ कर रहे होते हैं परंतु बुरा विचार हमारे को दबाता रहता है, वो हमें रोकता रहता है कि तू मंत्र मत पढ़, तू टेंशन में जा, तू डिप्रेशन में जा। और इस प्रकार से वो हम उससे क्या करते हैं, हम पूजा पाठ कर रहे होते हैं, एक तरफ बुरा विचार, एक तरफ आध्यात्मिक विचार, दोनों में संघर्ष चलता रहता है, दोनों में टकराव चलता रहता है। फिर भी आप पूरी कोशिश के साथ, पूरी लगन के साथ अपनी पूजा को लास्ट तक लेके चले जाते हैं। हालांकि श्याम भक्तों, बाद में आप डिप्रेस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, परंतु श्याम भक्तों, आप अपनी पूजा करते हैं और उधर बुरे विचार आपको उसे करने से रोकता है। इसे कहते हैं श्याम भक्तों आध्यात्मिक संघर्ष, यानी मन का एक संघर्ष जो आपके दिमाग में चल रहा होता है उसे इस प्रकार से आप कर रहे होते हैं। श्याम भक्तों, बुरे विचारों का आना कभी कभी इस बात को भी सिद्ध करता है कि आप आत्म शुद्धि के मार्ग पर हैं, तभी ये विचार आपके अंदर से निकल कर आ रहे हैं। यानी श्याम भक्तों कह सकते हैं कि जब हम भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, भगवान की पूजा पाठ में लीन होते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर इतनी गंदगी होती है, इतने बुरे ख्याल होते हैं, बुरे विचार होते हैं, वो अपने आप बाहर निकलने लगते हैं। तो जब वो अपने आप बाहर निकलने लगते हैं तो हमारी पूजा पाठ के साथ वो लड़ती है, वो संघर्ष करती है, जिसके कारण से हम अपने मन की वजह से वो समझ पाते हैं, परंतु श्याम भक्तों उसके नकारात्मक प्रभाव को हम महसूस कर लेते हैं, उससे हम बच नहीं पाते हैं। चलिए श्याम भक्तों, अब बात करते हैं अगर आपको बुरे विचार आते हैं तो इस बुरे विचार से आपको किस प्रकार से बचना चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट बात पूरा समझाऊंगा, तो कोई फालतू की बातें नहीं होगी। जब आप पूजा पाठ करने के लिए बैठेंगे तो आपको क्या करना चाहिए जिसके कारण से ऐसे बुरे विचार से आप
बच सके। तो शम भक्तों, पहला नंबर का जो पॉइंट है, आपको धैर्य बनाए रखना चाहिए। यानी शम भक्तों, अगर आप धैर्य बनाए नहीं रखेंगे, यानी जब आप पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं तो बिल्कुल माइंड को एकदम साफ सुथरे तरीके से लेकर जाएं और भगवान की पूजा पाठ करें। आप उस विषय में ना सोचें कि आज आप पूजा पाठ करने बैठे हैं फिर से वो विचार शुरू हो जाएंगे, ऐसा मन में बिल्कुल ना सोचे। धैर्य बनाकर अपना कर्म करें, यानी जो ईश्वर के लिए आपका कर्म है, ईश्वर की भक्ति करने का जो समय है वो ईश्वर को दें। अगर आपके मन में ऐसे बुरे विचार आ भी रहे हैं तो उसे आपको आने देना चाहिए, उसकी परवाह किए बगैर आपको धैर्य बनाते हुए अपनी पूजा पाठ की तरफ ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार से आपको उस बुरे विचार से संघर्ष नहीं करना। अगर वो संघर्ष कर रहा है आपके दिमाग से तो आप उसे संघर्ष करने दीजिए। आपको संयम बना के रखना, धैर्य बना के रखना है, तभी आप आगे जीत सकते हैं। शम भक्तों, पॉइंट नंबर दो की बात करें तो आपको सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना होगा। यानी शम भक्तों, आपको पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ काम करना है। यानी जब आप बाबा शम की पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं और जब आपको ऐसा लगता है कि बुरे विचार आने वाले हैं, तो शम भक्तों उस बुरे विचार को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से ले, उन बुरे विचार को नकारात्मक न समझे। यानी उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचे और ये सोचे कि ये बुरे विचार जो आपको आ रहे हैं ये आपको संघर्षशील बना रहे हैं, यानी आपकी मन की परीक्षा ले रहे हैं, आपकी मन की जांच कर रहे हैं। यानी शम भक्तों, आपको उस बुरे विचार को नकारात्मक अवसर ना मानकर आपको ये सोचना चाहिए कि इससे मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, यानी मैं अपने मन को मजबूत कर रहा हूँ। मेरा मन इन विचारों से संघर्ष करते करते काफी स्ट्रांग हो जाएगा, काफी मजबूत हो जाएगा। हो सकता है शम भक्तों, ये बुरे विचार आने से आपकी मन की शुद्धि हो रही हो, यानी एक शुद्धि प्रक्रिया से आप गुजर रहे हो। यानी जितने मैल आपके मन के अंदर थे, जितनी बुरी आदतें आपके अंदर थी, वो उस विचार के रूप में जब आप पूजा पाठ करने के लिए बैठ रहे हैं उस समय वो बाहर निकल रहे हो, यानी आपकी पूर्ण शुद्धि चल रही है। ऐसा सोचकर आप भगवान की पूजा पाठ करेंगे तो ये बुरे विचार आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। शम भक्तों, बात करते हैं पॉइंट नंबर थर्ड की। शम भक्तों, आपको अपने मन पर नियंत्रण करना होगा। यानी शम भक्तों, आपको अपने मन को नियंत्रित करने की बजाय उसको धीरे धीरे सही दिशा में लाएं। जब आपके मन में बुरे विचार आने लगे तब आपको एक गहरा सांस लेना चाहिए। यानी उस समय जब आप पूजा कर रहे हैं और बुरे विचार आ रहे हैं तो थोड़ा रुक कर एक गहरा सांस लें और मन को फिर से बाबा श्याम पर केंद्रित करें। जिस भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं उस पर फोकस आपको करना चाहिए, पूरी तरह से केंद्रित करना चाहिए। अगर बुरे विचार आ रहे हैं तो आने दीजिए, उसकी परवाह उस समय आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शम भक्तों, पॉइंट नंबर फोर की बात करें, यानी हम बात कर रहे हैं बुरे विचार से किस प्रकार से आपको छुटकारा मिले। शम भक्तों, पॉइंट नंबर फोर के अनुसार आपको मंत्रों का सहारा लेना चाहिए। यानी जब आप भगवान की पूजा पाठ करने के लिए बैठे हैं तो उस समय आप कोई ना कोई मंत्र का जाप तो करते ही होंगे। जब आप उस मंत्र का जाप करते हैं, यानी कि मान लीजिए आप बाबा श्याम के मंत्रों का जाप करते हैं, ओम श्री श्याम देवाय नमः, तो ओम श्री श्याम देवाय नमः, इसका अर्थ तो अब आप जानते ही होंगे क्योंकि इसका अर्थ मैंने इसी चैनल पर बता दिया है कि ओम श्री श्याम देवाय नमः का अर्थ क्या है और इसमें कितनी शक्तियां होती है। उन शक्तियों को ध्यान करते हुए आप बाबा श्याम के इस मंत्र को जप करते रहे और देखिएगा इस मंत्र की इतनी पावर होती है, इतनी शक्ति होती है कि आपके बुरे विचार धीरे धीरे करके अपने आप खत्म होते चले जाएंगे। शम भक्तों, अगर आप ओम श्री श्याम देवाय नमः का जाप नहीं करते हैं तो आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं या महामृत्युंजय मंत्र का आप जप कर सकते हैं। किसी भी मंत्र का जप करेंगे, सभी मंत्रों में अपनी अपनी पावर होती है, अपनी अपनी शक्ति होती है। शम भक्तों, मंत्रों का जप करने से मन क्या होता है, प्रसन्न होता है, शांत होता है। तो शम भक्तों, मंत्र जप करिए तो आपके मन में बुरे विचार आना बंद हो जाएंगे। शम भक्तों, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर फाइव की। यानी शम भक्तों, पॉइंट नंबर फाइव में आपको हम बताएंगे कि आपको ध्यान और योग करना चाहिए, यानी प्रभु में ध्यान लगाना चाहिए और योग का अभ्यास जरूर करना चाहिए। यानी शम भक्तों, सुबह सुबह आपको जल्दी उठना चाहिए, यानी कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे, और ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं
तो कोशिश करे सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच में उठ जाए। नियमित कर्म से निर्वृत्त होने के बाद आपको प्रभु का ध्यान करना चाहिए, प्रभु का ध्यान करते करते योगा करना चाहिए। इस तरह से अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अपने मन को शांत रखते हैं, शम भक्तों इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो कहते हैं कि मन को शांति मिलती है, आपकी चिंता वगैरह जो है धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है। तो मन को शांत रखने के लिए सुबह का समय है, योगा अभ्यास करने से और प्रभु का ध्यान करने से मन में आने वाले सारे बुरे विचार धीरे धीरे करके दूर हो जाते हैं। शाम भक्तों पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो पॉइंट नंबर 6 में आपको सकारात्मक विचार आपको अपने मन के अंदर लाना चाहिए, यानी सकारात्मक विचारों का अभ्यास करना चाहिए। अगर आपके मन में कोई भी बुरे विचार आते हैं तो उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से लें और अपने किसी प्रिय देवता यानी जिस देवता को आप मानते हैं यानी जो भी आपके इष्ट देवता है उस देवता को आप ध्यान करेंगे, उनका मन ही मन में चिंतन करेंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिएगा धीरे धीरे करके वो बुरे विचार अपने आप चले जाते हैं। शम भक्तों पॉइंट नंबर 7 में आपको बताएंगे कि आपको बुरे विचार आने के कारण अपनी पूजा पाठ को नहीं छोड़ना है, यानी आपको नियमित पूजा करनी है, डेली पूजा करनी है, एक समय बना लेना है, एक रूटीन बना लेना है कि इतने बजे ही आपको पूजा पाठ करनी है और उस पूजा पाठ के नियम और समय को ध्यान में रखकर प्रतिदिन उसी प्रकार से पूजा पाठ करें, भगवान का ध्यान करें। शम भक्तों अगर आप निर्धारित समय यानी जो आपने समय निर्धारित किया उसी समय पर अगर आप सुबह शाम की पूजा करते हैं तो देखिएगा आपके मन में बुरे विचार जो आते हैं वो धीरे धीरे करके आपके मन से अपने आप गायब हो जाएंगे। हम भक्तों पॉइंट नंबर 8 की बात करें तो आपके मन में अगर बुरे विचार आते हैं इससे आप बचना चाहते हैं तो आपको अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, यानी अच्छे साहित्य या भगवत गीता या अच्छी कहानियां यानी जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसी बातों को आप सुन सकते हैं, ऐसी किताबों को पढ़ सकते हैं जिससे आपके जीवन में आपको कुछ प्रेरणा मिल सके। बुरी बातों से आपको दूर रहना है, बुरी बातों को सुनना नहीं है, बुरे चलचित्र बुरे छवि जो टेलीविजन वगैरह में बुरी चलचित्र आती है बुरी मूवीज आती है ऐसे मूवीज से आपको दूर रहना है, ऐसी बातों को सोचना नहीं है, अपने मन को ध्यान करके यानी अपने मन पर कंट्रोल करके आपको प्रभु में ध्यान लगाना है, बाबा श्याम में ध्यान लगाना है। श्याम भक्तों आप चाहे तो रामायण जैसी मूवीज देख सकते हैं, सीरियल्स वगैरह देख सकते हैं, अगर देखना ही है टीवी में किसी भी प्रकार की नेगेटिव चीज़ों को देखने का अभ्यास ना करें, जैसे न्यूज़ वगैरह होती हैं उसमें काफ़ी नेगेटिव चीज़ें आती हैं, इन चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए जिससे आपके बुरे विचार अपने आप धीरे धीरे करके चले जाते हैं और मन में सिर्फ सकारात्मक विचार आने लगते हैं। शम भक्तों आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, ये जो बुरे विचार होते हैं ये अस्थाई होते हैं, यानी ये हमेशा के लिए नहीं होते कि एक बार घर कर गए तो ये कभी निकलने ही वाले नहीं है, ऐसा मन से ख्याल निकाल दीजिए। ये बुरे विचार जो हैं ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी को भी आ सकता है, तो इससे लड़ना कैसे है, इससे जूझना कैसे है उसका तरीका मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। शम भक्तों अगर आपके मन में बुरे विचार आते हैं बुरे ख्याल आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे इंसान हैं बुरे व्यक्ति हैं जिसके कारण से आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, मन की प्रक्रिया है, मन की चंचलता के कारण ऐसा होता ही होता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही हो रहा है, बड़े बड़े विद्वान महापुरुषों यहाँ तक कि हम जब बचपन में पूजा पाठ करते थे तो हम भी इन विचारों से संघर्ष किए हैं, हम भी डिप्रेशन में गए हैं, तब हमें कोई समझाने वाला नहीं था, परंतु जो हमारे दादाजी थे बहुत बड़े विद्वान थे बहुत बड़े पंडित थे, उन्होंने हमें इस बुरे विचार से लड़ना सिखाया, ऐसी बातें बताई जो बातें आज मैं आप सभी के समक्ष रख पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको इन बुरे विचार से लड़ना चाहिए। चम भक्तों जब आप बुरे विचार जब आपके मन में आएंगे जब उसकी परवाह नहीं करेंगे और अपने पूजा पाठ को उसी प्रकार से करते रहेंगे चम भक्तों ये बुरे विचार ज़्यादा दिन आपके दिमाग में टिकेंगे नहीं, अपने आप धीरे धीरे करके ये निकलते चले जाएंगे। हम भक्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो बुरे विचार हैं ये आपके मन को साफ कर रहे हैं शुद्ध कर रहे हैं और ये मन के उस हिस्से का प्रकटीकरण है जो साफ होने की स्थिति पर है यानी साफ होने वाला है, इसलिए मन में किसी भी प्रकार की दुविधा आपको नहीं रखनी चाहिए। शम भक्तों जब आप पूरी भक्ति और पूरे भाव के साथ अपने विचारों के साथ भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो भगवान आपके आपके भाव को देखते हैं, आपकी भक्ति को देखते हैं, आपकी श्रद्धा को देखते हैं,
वो आपके ऐसे बुरे विचार को नहीं देखते जो आपके मन में आ रहे हैं। वो तो ऐसा आपका मन है जो आपको भ्रमित कर रहा है आपको कि पूजा पाठ आपकी नहीं लगने वाली है, पूजा पाठ आपकी स्वीकार नहीं होगी। ये हमारा मन हमें भ्रमित करके हमें इस भ्रम में डाल देता है। हम अपने सच्चे पथ से भटक जाते हैं और भगवान की आराधना को छोड़ देते हैं। फिर हमारा वो जो मन होता है यानी बुरे विचार वाला मन जो होता है वो जैसे जैसे हमें कहता है वैसे वैसे हम करते हुए चले जाते हैं। श्याम भक्तों, आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना, भगवान आपकी सच्ची भावनाओं को देखते हैं, आपके मन में आने वाले बुरे विचारों को नहीं देखते हो। होपफुली श्याम भक्तों पूरी बात अब समझ गए होंगे। वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, परंतु अब आप जब आप पूजा पाठ करेंगे तो उस समय आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि मेरे मन में बुरे विचार आ रहे हैं, मैं पूजा पाठ छोड़ दूँ, अब मैं पूजा पाठ नहीं करना। ऐसे मन में विचार न लाकर प्रभु का ध्यान करिए, बाबा श्याम का ध्यान करिए, बाबा श्याम के मंत्रों का जाप करते रहिए, आपकी पूजा पाठ ज़रूर सफल होगी। और जब आपकी पूजा सफल हो जाती है तो बाबा श्याम की कृपा अपने आप आपके ऊपर बन जाती है। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।